तो दोनों ने अपने अपने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल मैं रखूंगा जरूर, मैं आ गया आप ही के लिए तो आया हूं, पहले एक बार हमको कह लेने दो। बाबूजी क्या नाम है आपका? हाँ, राकेश सोनी। राकेश जी आई लव यू, जो जिस मोहब्बत से आप कहते हैं ना, एक बार बस, भी एक बार बस आ जाओ तो लगता है कि बस प्राण निकाल के आपको दे दे। अरे सेठ जी कहाँ, रुको अभी दो मिनट, पहले राकेश जी से। सर जी तूफान आता है? अरे नहीं तूफान, दोनों ने एक साथ बैठ के आए हो कि अलग अलग आए हो, पहले ये बताओ, दोनों लोग एक साथ बैठ के आए हो कि अलग अलग आए हो? रुको, मेरी मुझे पता चल जाता एक साथ बैठ के आए हैं अलग अलग आए हैं, दोनों एक साथ बैठ के आए हैं। आम आदमी पार्टी को एक मौका, उनको भी पहले प्रिफेस में वो अपनी बात बोल ले, उसके बाद मैं जरूर आपके पास आता हूं। डिबेट ओपन है, सारे लोगों के लिए ओपन है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, सारे लोगों के लिए ओपन है, पहले आम आदमी पार्टी का, आपका मत। सर आजादी के 75 साल तक, 75 साल के बाद भाजपा कांग्रेस मध्य प्रदेश में दो ही दलों को मौका दिया है, और स्थिति यह है कि इनको अगर 70 साल 75 साल मिल गए, 75 साल और दे दे जनता, तब भी ये लोग बदलने वाले नहीं है। इस बार जनता ने यह तय किया है कि घर का कचड़ा हो या दुकान का, मकान का या राजनीति का, सफाई झाड़ू करेगी, गंदगी साफ करेगी। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को जनता एक मौका देगी, केजरीवाल जी को एक मौका देगी जी। अब मैं आता हूं, मैं अरे 18 साल में बूढ़ा कर दिया मध्य प्रदेश भाजपा ने, और भाजपा को इस बार उखाड़ के फेंकना है, जन जन की यही जी। 18 साल हो गए जी 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 जी, मैं बूढ़ा और जवान तो नहीं जानता, 18 साल जी। मैं आपके पास भी आऊंगा जी जनाब, मैं नाम आपका, अरे देखो, अरे सुनो, बूढ़ा हुआ या नहीं, लेकिन मैं बच्चा जरूर बना दूंगा तुम्हें, चुपचाप जी। हाँ, रामेश्वर गुप्ता नाम है। रामेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में जी, बोलिए। मामा जी ने बहनों को तो 1200 रुपए करीब दे दिया, 1000 रुपए करीब। ये सारी ग्वालियर की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, बहनों को तो दे दिए, जीजाओं को क्या दिया मामा ने? ये सारे जीजा नाराज हैं इनसे, इनको भाजपा की सरकार को उखाड़ के इस तरह फेंकेंगे कि घर में लड़ाइया करा रहे हैं, पति पत्नियों में झगड़े हो रहे हैं। अंदर आओ, अंदर आओ। तो घर में क्या हो रहा है? लड़ाइयां हो रही है पति पत्नियों में। क्यों? कह रही है मेरे को काम करूंगी, मुझे तो मामा पैसे दे रहा है। हाँ। पति लोग घर में लड़ रहे हैं पत्नियों से कि भाई हम भी जो कमाई करते हैं, हमारी कमाई से गुजारा चल रहा है, वो कल से आपको पैसे देने लगा है। तो मामा ने बहनों को दे दिया लेकिन जीजाओं को कुछ नहीं दिया। कह रहे मामा ने दो दे दिया लेकिन जीजा नाराज हैं।